पूछ रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान से ज्यादा देश को ट्रोल आर्मी से खतरा रहा है। आपसे भी ट्रोल आर्मी बहुत प्यार करती है, आखिर इनका मकसद क्या है? तेरे का मतलब है मैं शिकायत करूं? सुन गुरु, सुन सुन, शहंशाह शाह और बहादुर सच्चे लोग शिकायत नहीं करते, वो शिकस्त देते हैं। शिकस्त, करारी शिकस्त, जैसे 3 इलेक्शनों में दिए। वो पोल खोलते हैं, वो बेचारे नहीं बनते। सिंपथी इज फॉर द वीक एंड अ वीक गो टू द कुकिंग पॉट। कीचड़ को धोने की अपेक्षा में उससे दूर रहना अच्छा। इग्नोर करता हूं मैं ये जो कंप्यूटर वॉरियर्स है ना, कीबोर्ड वॉरियर्स। ट्रोल पुराना हो गया, मतलब नया निकालेंगे कुछ। इनका नाम है कीबोर्ड वॉरियर्स और इनके साथ है कमांडो कॉमिक चैनल्स। ओह बवाल उठा दिया, ओ कर दिया। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कि चीखने से सत्य झूठ में बदल जाएगा। नॉइस प्रूव्स नथिंग। Even a hen while laying an egg cackles as if she's laying an asteroid. They are like golden drums. Make a lot of noise, but there's nothing inside but air. समझे ना? ये इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क एक चीज से पड़ता है कि तुम लोगों की सच्चाई की लेजिटिमेसी को खत्म करना चाहते हो। जो सत्ता पक्ष को सवाल करता है वो तुम्हें भाता नहीं, उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हो। तुम डेमोक्रेसी नहीं, एक डिक्टेटरशिप हो। तुमने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र, डंडा तंत्र, भय तंत्र, तुम भय देते हो लोगों को, तुम गाली देते हो लोगों को। बरखा तक तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, और बहुत लोग हैं। तुम गाली देते हो उनको, तुम भयग्रस्त करते हो उनको, तुम जेल में ठोकते हो उनको और तुम गोलियां बरसाते हो। लेकिन इसका जवाब एक ही है, करेज। एंड करेज इज कंटेजियस। ये मेरी चिट्ठी में लिखा था, रोहित वर्मा, नजीब, गौरी लंकेश, हमारे वहां इंस्पेक्टर जो अपनी बेटी की आबरू बचाने आया था, उसकी गोली मारी गई छाती में और तांडव किया गया उसके ऊपर। छबील के पीछे खड़े होकर गोलियां बरसाई गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं का हनन किया है। ये बख्शे नहीं जा सकते। आप एंटी नेशनल किसी को भी बोल देते हो, ऐसा नहीं होगा मोदी साहब। ये लोकतंत्र जो है ना, ये अब तुम्हारी पीढ़ियों से होगा स्वतंत्र। पहले अंग्रेजों से स्वतंत्र किया था, मेरा बाप लड़ा था। तुम सवाल करते हो ना नवजोत सिंह सिद्धू का, तुम्हें बताता हूं, सारी दुनिया जाने। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं मोदी साहब, नाम सरदार भगवंत सिंह सिद्धू, गदरी कीर्ति गदर पार्टी में। लीडर का नाम जिसके लिए काम करते थे तेजा सिंह स्वतंत्र, लाहौर में लाल किला अखबार निकालते थे। फुटबॉल खेलते हुए एक बार, राजाओं की फैमिली से हम, फुटबॉल खेलते हुए एक बार दादा के पास आए। दादा ने कहा राजाओं का नमक खाना है, भगवंत अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठी। फुटबॉल के जूते पहने यूं वैसे ही निकल गए। खालसा कॉलेज लाहौर में, मेरे पिता ने खालसा कॉलेज लाहौर में 3 महीने साबुन नहीं देखा मोदी साहब। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप बड़े बवाल कराते हो, पीठ पीछे वार करते हो, किसी को भी एंटी नेशनल कहते हो। जिस क्लास में पढ़ते थे उसी में ट्यूशन देते थे, सवेरे लाल किला अखबार निकालते थे, तेजा सिंह स्वतंत्रता साहब के लिए काम करते थे, गदरियों की पार्टी में थे। वो गदरी जो देश के लिए लड़ते थे, सवेरे 4:30 बजे पकड़े गए। अंग्रेजों ने सजाए मौत सुनाई, टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। जूड़ा बांध के 3-3 दिन खड़ा रखते थे, जब नींद आती थी बाल खींचते थे, नाखून खींच के नमक डालते, गुम के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, आधे सेकंड में बंदा बेहोश हो जाता था। ये मेरे पिता थे, तस्वीरें झेले उफ तक नहीं। और मोदी साहब, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, जब वो वक्त आया कि एग्जीक्यूशन वॉज टू बी इंप्लीमेंटेड
तीन दिन पहले रानी का जन्मदिन हुआ, किंग्स एमनेस्टी हुई, 700 कैदियों में से 7 छोड़े गए, पर्ची डाल के, उस पर्ची में पाप का नाम था। आए और कांग्रेस में 40 साल रहे, सबसे पहले एमएलए बने, एमएलसी बने, और उनका दोस्त था एक नंद कुमार, उन्हें कहा भगवंत सिंह क्या देशभक्ति में पड़ गया है, कारखाने लगा, 4 पैसे कमा। तो उसने कहा बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता पर पेड़ों से ही छाया होती, समाज सबको गिरा देता, कितने ही धनी हो चले गए, कौन किसी का नाम लेता, कैसे बनती मेरे गुरु की वाणी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल करने लायक नहीं है, जिसका नाम लोया जज साहब के खून से रंगा हो, वो कौन नाम है दुनिया जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो सवाल सिद्धू को नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धू सिद्ध है, सत्य पे खड़ा है, और उसका प्रमाण तुम नहीं दोगे, वो लोग देते हैं जिन्होंने 5-5 इलेक्शन जिताए। देश की जनता राहुल गांधी को क्यों चुने? अरे बहुत बड़ा सवाल करके, यहां पर खड़ा है सारा देश, यहां पे खड़ा है भाई, और ये जवाब सुनते जाना, क्योंकि यहां अंत करूंगा, क्योंकि ये चरम सीमा है कि क्यों राहुल गांधी को क्यों चुना जाए। मोदी साहब, मोदी साहब की हर तरकीब खोटी पड़ गई, जिंदगी अब छोटी पड़ गई। देखो, एक ने सत्य के अलावा कुछ बोला नहीं, और दूसरे ने झूठ के अलावा कुछ कहा नहीं, एक जांचा परखा खड़ा, जो कहा वो किया, दूसरे ने जो कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। आप देख लो, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, गंगा साफ, ब्लैक मनी, 15 लाख रुपए, चंद्रमा तारामंडल में बैठ के अपनी बढ़ाई हांकता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना, चंद्रमा और तारों के तेज फीके पड़ जाते हैं, सूरज प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, सत्य प्रमाणित करना नहीं पड़ता, कहनी और कथनी एक जैसी है, और सोना आग में डालोगे तो काला नहीं पड़ता, और समरता है और निखरता है। जितनी कठिन परिस्थिति उतना राहुल गांधी सामने, एक लोकतांत्रिक असूलों पे खड़ा है, एक कहता है सबको आवाज उठाने का हक है, लोगों की आवाज, लोगों की सरकार, लोगों के वास्ते, दूसरे ने लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया, और ट्रोल तंत्र के साथ साथ डंडा तंत्र बना दिया। हमारी मानोगे तो सही हो, और नहीं मानोगे तो बम निकाल देंगे, जेल में भिगवा देंगे, गोली चलवा देंगे। कितने प्रमाण दो? गौरी लंकेश, वर्मुला साहब, नजीब, कितने उदाहरण दूं मैं, मतलब कितने ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको नौकरियों से निकलवा दिया, वो अपने प्राइवेट चैनल खोल के, लेकिन वो हारे नहीं, उनकी आवाज आज भी गूंज रही। एक नेता है, दूसरा अभिनेता है, ड्रामा अभिनेता ठगा, जो दिखता वो है नहीं, स्किम मिल्क मैस्कुरेट्स द स्क्रीन, थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। एक परिवार ने 4 गांधी दिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गांधी, जिन्होंने 2 कर्तव्य पथ पे जान गवा दी, सोनिया गांधी, दूसरी 3 मोदी की, नीरव मोदी भगौड़ा, ललित मोदी अंटी संटी, और तीसरा बैठ गया अंबानियों की गोदी। ये फर्क है गुरु, इसको जरा ध्यान से, एक बात करता है 99% हिंदुस्तान की, किसान की, मजदूर की, गरीब की, दूसरा बात करता है 0.1% पूंजीपतियों की। प्रमाणित कर चुका। एक 6,000 करोड़ रुपए लगा के अपने मुंह से शादी मुबारक करता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, और दूसरा ब्लैक बेल्ट है, लेकिन किसी को पता नहीं। निर्भया के भाई को पायलट बना चुका है, किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं बताया।
लेकिन पता लगता है तो दंग रह जाता है, विनम्र है, जो कहता है वो करता है, जांचा परखा खरा। बाबा शेक्सपियर पढ़ाया करते थे, और वो कहते थे ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एक नया है, नवीन है, सृजन है, उमंग है, तरंग है, नई सवेर है,